हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाकर 1200 कर दिया। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि करेंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये करेंट अफेयर्स आपको बिहार में होने वाली परीक्षा जैसे कि दरोगा भर्ती, CDPO और भविष्य में होने वाले इंटर स्तरीय समान रूप से सहायक होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे सितंबर अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी पर निर्मित किस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया? इसका उत्तर है सरदार सरोवर बांध को। दूसरा, 11 से 12 सितंबर 2017 के मध्य भारत की यात्रा करने वाले बेलारूस गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। 12 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? MN शर्मा को। US ओपन 2017 ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन का है। अगला क्वेश्चन, 7 सितंबर 2017 को भारत सरकार की समाचार एजेंसी PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर है विवेक गोयनका को। 6 सितंबर 2017 को ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने किस देश में उजाला यानी कि उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल योजना की शुरुआत की? उत्तर है मलेशिया में। 3 से 5 सितंबर 2017 के मध्य 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शियामेन चीन में। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। 3 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के तीसरे विस्तार में देश का रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमन को। 20 अगस्त से 3 सितंबर 2017 के मध्य संपन्न भारत श्रीलंका एक दिवसीय श्रृंखला का विजेता कौन है? इसका विजेता है भारत, जिसने की 5-0 से यह श्रृंखला जीती। 31 अगस्त 2017 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया। इसके अनुसार बागवानी फसलों का उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? इसका उत्तर है लगभग 300 मिलियन टन। 1 सितंबर 2017 को नेपाल सरकार ने किस वर्ष तक के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता फ्रेमवर्क मतलब UNDAF पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है वर्ष 2018 से 2022 तक के लिए। अगला क्वेश्चन, 1 से 7 सितंबर 2017 के मध्य संपूर्ण देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का मुख्य विषय मतलब की थीम क्या था? इसका थीम था नवजात शिशु एवं बाल आहार प्रथाएं, बेहतर बाल स्वास्थ्य। 7 सितंबर 2017 को 10वें चिकित्सा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 31 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS यानी कि BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया? सुरीना राजन को। 1 से 2 सितंबर 2017 के मध्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस वर्ष पहली बार राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन का नाम क्या था? तो इस सम्मेलन का नाम था राजस्व ज्ञान संगम 2017। 1 सितंबर 2017 को देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका उत्तर है सुनील अरोड़ा ने। 31 अगस्त 2017 को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है राजीव महर्षि को। 31 अगस्त 2017 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है अनीता करवाल को। अगला प्रश्न देखिए, 29 अगस्त 2017 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2017 हेतु पायलट योजना के रूप में किस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसका उद्देश्य किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना है? इसका उत्तर है भावांतर भुगतान योजना। अगला प्रश्न, 29 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद इटावा के सैफई स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अगला प्रश्न, 28 अगस्त 2017 को भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इसका उत्तर न्यायमूर्ति दीपक मिश्र ने। अगला देखें, 28 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ किया जिसके तहत चुने गए छात्रों को अगले एक वर्ष तक 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए प्रति माह तक फेलोशिप प्रदान की जाएगी? इसका उत्तर है निधि ER, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस योजना। अगला देखिए, 24 अगस्त 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिवार वित्त समिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? डॉक्टर तरुण रामदुरई की। 23 से 27 अगस्त 2017 के मध्य नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कितने समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए? इसका उत्तर है 8। 24 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को क्या घोषित किया? मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अगला देखिए, 23 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा OBC क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किस जिले में इको पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है राजौरी जिले में। अगला प्रश्न, 23 अगस्त 2017 को किस देश द्वारा विश्व में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए पहली क्लाइमेट स्मार्ट हिम तेंदुआ परिदृश्य प्रबंधन योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर है नेपाल द्वारा। 26 अगस्त से 3 सितंबर 2017 के मध्य आयोजित 23वें दिल्ली पुस्तक मेला 2017 का मुख्य विषय मतलब कि थीम क्या था? इसका थीम था पढ़े भारत बड़े भारत। अगला क्वेश्चन, 25 अगस्त 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार निर्मला सीतारमण ने भारत के आर्थिक बदलाव के लिए किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यबल का गठन किया? इसका उत्तर है डॉक्टर V कामकोटी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखें, 24 अगस्त 2017 को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका उत्तर है अश्विनी लोहानी को। 23 अगस्त 2017 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा 100 सबसे अमीर टेक अरबपतियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। 22 अगस्त 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति JS खेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने किस प्रथा को असंवैधानिक बताया तथा केंद्र सरकार को इस पर 6 महीने के अंदर कानून बनाने का निर्देश दिया? इसका उत्तर है 3 तलाक, जिसे कि तलाक उल बिदत भी कहा जाता है। अगला देखें, 23 अगस्त 2017 को नीति आयोग ने किस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की? इसका उत्तर है मेंटर इंडिया अभियान की। 24 अगस्त 2017 को इंफोसिस के निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है नंदन निलेकनी को। अगला देखिए,
29 अगस्त 2017 को वर्ष 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर देवेंद्र झांझरिया जो कि पैरा एथलीट हैं और सरदार सिंह जो हॉकी खेलते हैं। 21 अगस्त 2017 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा CCTNS परियोजना के तहत किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है डिजिटल पुलिस पोर्टल। CCTNS का फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। 21 अगस्त 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम। 21 से 23 अगस्त 2017 के मध्य 8वीं विश्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। 25 अगस्त 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला में किस मूल्य का बैंक नोट जारी किया गया? इसका उत्तर है 200 रुपए का। 200 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट के पृष्ठ मतलब कि पीछे भाग पर किसका चित्र अंकित है? उत्तर है सांची स्तूप का। 20 अगस्त 2017 को इंदापुर पुणे स्थित एक फार्म में IVF टेक्निक के माध्यम से एक सेरोगेट गाय ने बछड़े को जन्म दिया। इस बछड़े का नाम क्या है? विजय। आइए अगला देखते हैं। 23 अगस्त 2017 को इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? इसका उत्तर है बेन रूनी ने। 19 अगस्त 2017 को किस राज्य सरकार द्वारा पायलट आधार पर देश की पहली जैव ईंधन चालित बसों का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है गोवा सरकार द्वारा। 19 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश के तहत स्वच्छता अभियान की शुरुआत कहां से की गई? इसका उत्तर है गोरखपुर से। 14 से 19 अगस्त 2017 के मध्य संपन्न भारत आसियान युवा सम्मेलन 2017 का आयोजन कहां किया गया? इसका उत्तर है भोपाल में। 17 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड TCIL का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? ए शेषागिरी राव को। 17 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना। अगला देखिए। 16 अगस्त 2017 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 10 उच्चतम भुगतान पाने वाली एक्ट्रेस की सूची 2017 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? अमेरिकी अभिनेत्री एमा स्टोन को। 16 अगस्त 2017 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? इसका उत्तर है 275.68 मिलियन टन। 13 अगस्त 2017 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इसका उत्तर है सोमालिया को। 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पहले समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी आकलन संख्या के प्रारंभिक परिणाम के अनुसार देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? इसका उत्तर है कर्नाटक में। 11 अगस्त 2017 को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल हेतु केन्या के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? इसका उत्तर उहुरु केन्याटा। 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? प्रसून जोशी को। 10 अगस्त 2017 को अमेरिका के संघीय ऊर्जा नियामक आयोग FERC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील चटर्जी को। अगला प्रश्न। 7 अगस्त 2017 को UAE सरकार द्वारा किसे सामुदायिक सेवा मेडल प्रदान किया गया? इसका उत्तर है फिरोज मर्चेंट को। 11 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है डेविड रास्किन्हा को। 4 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
अभिनेता अक्षय कुमार को। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2017 को WHO द्वारा शारीरिक सक्रियता हेतु दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय धावक मिल्खा सिंह को। 10 से 11 अगस्त 2017 के मध्य बिम्सटेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई? काठमांडू नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2017 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था युवाओं द्वारा शांति स्थापना। 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? इसका उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। 7 अगस्त 2017 को मेकांग गंगा सहयोग की 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां संपन्न हुई? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2017 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु किस सेवा का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है मोटर बाइक एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा का। 1 अगस्त 2017 को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा क्लब के सर्वोच्च सम्मान भारत गौरव से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है धनराज पिल्ले को। 2 अगस्त 2017 को पुणे स्थित तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा लोकमान्य तिलक अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर आचार्य बालकृष्ण को। 5 अगस्त 2017 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजीव कुमार को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 अगस्त 2017 को सेबी द्वारा उचित बाजार व्यवहार पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? इसका उत्तर है टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में। 31 जुलाई 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने पर सलाह देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण की अध्यक्षता में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।